तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 9वीं के 8वां लेसन उड़ान और उसके सभी टेस्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे देखिए आंसर आते जा रहा है। और आपको वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं दिख रही हो, वीडियो क्लियर फोटो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, माफ़ कीजिएगा फोटो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। राइट साइड कॉर्नर में आपके थ्री डॉट होते तो वहाँ पर जाके आप अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा आंसर था तो इसके लिए आपको फोटो क्लियर दिखना बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग पाठ के आंगन में और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बाकी क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसमें उसके आंसर नहीं थे डाइजेस्ट में, तो मैं नहीं दे पाया, माफ़ कीजिएगा। अगर मिलते हैं तो टेलीग्राम में ज़रूर डाल दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है उसका नीचे, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए पहला आ गया, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर सही विकल्प आपको बता दिया, वाक्य पूर्ण आप ज़रूर कर लीजिएगा लिखते वक्त, या आप टिक मत कीजिएगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा उसका। और एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बस वहाँ पे टिक मत कीजिएगा, वो आप वाक्य पूरा ज़रूर कीजिएगा, मैंने टिक किया है बस वहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये देखिए इसका भावार्थ लिखने का था, जो पंक्ति इन लोग ने दिए है उन लोग का, उसका भावार्थ लिखने का था, तो यहाँ पे मैंने दे दिया उसका आंसर फोटो के साथ। और फोटो क्लियर नहीं दिख रहा होगा जैसे मैंने बोला, वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए जाके। ये देखिए वो भी इसका ही आंसर है, और थोड़ा ये मैंने ऊपर से डाल दिया इसके ताकि जगह हो, मुझे यकीन आपको समझ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। और यहाँ पे कविता के द्वारा दिया गया संदेश अपने शब्दों में लिखिए, आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आंसर दे दिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको पढ़ के आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले डाल दिया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में है संजाल करके, और मैंने पहले डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद आएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये क्वेश्चन नंबर 5 है और मेरे को लगा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसीलिए पहले डाल दिया, माफ़ कीजिएगा। और ये देखिए सब चारों का आंसर यहाँ पे दे दिया, और सभी आंसर इसमें जो गाइस दिए सब राइट है, आपको रॉन्ग आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि सब डाइजेस्ट के आंसर दिए। ये देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले आया, क्वेश्चन नंबर 4 बाद में आया, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे यकीन आपको समझ जाएगा। और ये देखिए उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों आ चुका है, विराम चिन्ह लिखने का था ढूंढ के उसके अंदर से, और उसका उपयोग भी करने का था। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक पूछे होगा नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। चल तो चलेगा, इस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।